सो गाइस आप देख सकते हो यार पिछले साल बिटकॉइन की प्राइस कितनी थी, अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस कितनी है, एंड यार 5 साल पहले आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस कितनी है। तो भाई पिछले 5 सालों में बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया प्राइस में। तो अगर आपने पिछले 5 साल पहले भी अगर कुछ 100 रुपीज़ भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो यार आपको आज काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। फिलहाल गाइज इस वीडियो की बात करें तो आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा आप बिटकॉइन को बाई या फिर सेल कैसे कर सकते हो, बिकॉज गाइज आप जरूरी नहीं है यार बिटकॉइन ऑब्वियसली किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाई या सेल कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये बातें काफ़ी ईजिली पता हो जाएंगी। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं यार बिटकॉइन का दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार हमेशा इंक्रीज़ होता रहेगा, ऑब्वियसली इसमें रिस्क है, कभी भी इंक्रीज़ कर सकता है, कभी भी डिक्रीज़ कर सकता है। तो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है इसमें। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बट यार उससे भी ज़्यादा रिस्क है। तो प्लीज़ अपना बजट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसमें प्रॉफिट हुआ है तो आज भी होगा। तो दिमाग लगा के अपने बजट के हिसाब से भाई इसमें करना। आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ यू विल गेन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इसके फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सीख लेते हैं बिटकॉइन को बाई या फिर सेल कैसे करते हैं। सो गाइस बिटकॉइन बाई या सेल करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे आपको कॉइन स्विच सर्च करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा एप्लीकेशन होने वाला है, तो सिंपली इसे आपको ओपन कर लेना है। तो यार ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐप ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करोगे उसी पे ओटीपी वगैरह वगैरह सब कुछ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर लेना है। सो गाइस थोड़ी देर वेट करने के बाद सिंपली आपको मोबाइल पे अपना ओटीपी रिसीव हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, सिंपली आपको ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक पिन मांगता है। पिन यानी कि जब भी आप ऐप ओपन करोगे तो आप 9452 या जो भी आपके मन में रख सकते हो भाई। तो यहाँ पे मैंने फाइनली पिन इंटर कर दिया है। पिन इंटर करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यार, आप इस ऐप का लुक देख सकते हो। अब इससे ज़रूरी नहीं आपसे बिटकॉइन ही बाई करो, बिटकॉइन इथेरियम आप जो चाहो वो बाई कर सकते हो, डॉगी कॉइन भी आपको इसमें मिल जाएगा। बट अभी सबसे पॉपुलर जो है आप जैसा कि देख सकते हो BTC एंड ETH है, यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम। आप देख सकते हो इनके प्राइस कैसे इंक्रीज़ हुए, कैसे डिक्रीज़ हुए, सब कुछ दिखाता है। यहाँ पर आपको दिखा देगा आपके ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपने कितने डिपॉजिट किए हैं, कितने विदड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई किसके प्राइस बढ़ रहे हैं, किसके प्राइस घट रहे हैं, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। एंड यहाँ पे आपको कुछ KYC और यूज़र वेरिफिकेशन करना होता है। तो फिलहाल गाइस जाते हैं होम में, BTC पे क्लिक करते हैं क्योंकि अपने को तो बाई करना है BTC। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे बाई प्राइस पे क्लिक कर देना है, जहाँ ये टैप करने के लिए बता रहे हैं। आप ग्राफ देख सकते हो यार, ग्राफ आपको काफ़ी इजीली बता रहा है कि भाई आपको प्राइस जो है वो कितने दिनों से बढ़ा है, कितने दिनों से घटा है, करेंट प्राइस क्या है, एंड आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा या फिर घाटा होगा। तो अगर आप बाई नाउ पे क्लिक करते हो तो आपको बैंक डिटेल इंटर करने को कहेगा, तो आप बैंक डिटेल भाई खुद से इंटर कर लेना। मैं आपको बैंक डिटेल इंटर करके बताता हूँ। अकाउंट नंबर में आपको सिंपली अपना अकाउंट नंबर बैंक का इंटर करना है, उसको कन्फर्म करना है, एंड आपको IFC कोड इंटर करना है, एंड उसके बाद सब्मिट करना है। इसके बाद आपको KYC कंप्लीट करना होता है। KYC में आपका पैन कार्ड वेरीफाई करना होता है। सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड के डिटेल भरने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट योर KYC आ रहा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले बेसिक वेरिफिकेशन में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड यार उसके बाद आपको 2 और वेरिफिकेशन स्टेप होते हैं जिसमें कि आपको OTP से वेरीफाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यार सारी चीज़ें करने के बाद सिंपली आपको BTC पे जाना है, एंड यहाँ पे दोबारा आपको ऐसे बताएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे दोबारा पे क्लिक करके यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे थोड़ी देर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको बाई करना है। जो भी अमाउंट आप बाई करना चाहते हो यहाँ पे इंटर कर दो। मैं 115 रुपये का बाई करना चाहता हूँ, तो 115 रुपये बाई कर लेता हूँ। आप भी यार कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट ही करो। आपको सिंपली प्रीव्यू बाई पे क्लिक करके यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे आपका BTC जो है वो फाइनली यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा।
तो आपको रिचार्ज वैलेट पे क्लिक करना है। आपको जैसे रिचार्ज वैलेट पे करोगे 115 रुपये ऐसे लिखा आएगा, आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, भाई कैसे डिपॉजिट करना चाहते हो, तो मैं UPI से करूँगा, UPI में पेटीएम से करूँगा। आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो या जैसे मन वैसे कर सकते हो। मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, तो भाई फाइनली पेटीएम से मैं जो है 115 रुपये इस ऐप में डिपॉजिट करूँगा, जिससे कि मैं बिटकॉइन खरीद सकूँ। काफ़ी सिक्योर है यार, कहीं भी आपका कोई भी पैसा नहीं अटकने वाला, बट मेक श्योर आपका नेट स्लो ना हो। तो फाइनली आप देख सकते हो यार 115 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू बाई करूँगा, प्रीव्यू बाई करने के बाद यहाँ पे बाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो मैंने BTC को बाई कर लिया है। कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इसमें डिपॉजिट कर रहे हो मनी, आपका नेट फास्ट होना चाहिए। अगर नेट स्लो है तो डिपॉजिट मत करना। चलो गाइस अभी हम फटाफट से देख लेते हैं यार बिटकॉइन को सेल कैसे करते हैं। तो सेल करने के लिए उस पर बिटकॉइन पे क्लिक करना है, उसको आपको साइड में सेल, एंड आपके पास जितने BTC है उतने ही आप सेल कर पाओगे। तो आप देख सकते हो मेरे पास इतना था जो मैंने बाई किया है, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। आपको प्रीव्यू सेल पे सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो तुरंत सेल नाउ करना है। जैसे ही आप सेल नाउ करोगे यार, आपका BTC जो है वो फाइनली यहाँ पे काफ़ी इजीली जो है वो सोल्ड हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो यार मैंने BTC सोल्ड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपना अमाउंट आ चुका है। इसको अपने बैंक में लेने के लिए आपको साइड में विड्रॉ जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो 113 रुपये है, तो भाई वही मैं कर लूँगा, यहाँ पर विड्रॉ करूँगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे विड्रॉ करूँगा यार, आप फाइनली देख सकते हो अपना बैंक डिटेल कंफर्म करना होगा। आपको कंफर्म करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वाइन स्विच एप्लीकेशन का पासवर्ड इंटर करना है, जो कि आपने स्टार्टिंग में बनाया था पिन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करोगे आपको पिन मांगेगा, पिन के बाद आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा। OTP को आपको सिंपली यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप इंटर करोगे आपका विड्रॉल हो जाएगा। फाइनली आपके बैंक अकाउंट में आपका जो है 113 रुपये आ चुका है। गैस किसी से बिटकॉइन रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ये एड्रेस आपके लिए यूनिक है। आप किसी भी बंदे को ये एड्रेस दे सकते हैं, इस पर ईजिली काफ़ी ईजिली जो है वो आपको बिटकॉइन को सेंड कर सकता है। गैस ये एड्रेस जो है वो यूनिक होता है, इस पर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही सेंड किया जा सकता है, बिटकॉइन यानी कोई भी क्रिप्टो करेंसी। तो आप सिंपली उस आइकन पर क्लिक करके काफ़ी ईजिली कर सकते हो। तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी कैसे बाई कर सकते हो। तो जाओ फटाफट से यार बाई करो एंड ट्राई करो अपना लक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड यार हाँ यार, इस वीडियो में अपना एक चैलेंज रखते हैं। अपना चैलेंज ये है कि जितने भी यूनिक व्यूअर होंगे इस वीडियो पे यार, वो सब्सक्राइब करके जाएंगे। ऑब्वियसली यार आप लाइक कर देते हो, देख लेते हो, बट यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आज का चैलेंज यही रहेगा कि आप सब्सक्राइब भी करके जाओगे, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई ज्यादा डाउट है। एंड यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड।